ये डी चौक के मनाजिर हैं। यहाँ माहौल कदरे सोगवार है क्योंकि हमीद शाह जो पुलिस एहलकार हैं उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है, जिसमें वजीर दाखिला के अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक हैं। हमीद शाह गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की जो रैली ही थी उस दौरान ज़ख्मी हो गए थे और उनकी जान गई थी। हमीद शाह के अलावा दर्जनों पुलिस एहलकार जो थे वो भी ज़ख्मी हुए थे। ये इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि फ़ौज तैनात है और ये डी चौक के इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद में सूरत हाल कदरे मामूल की तरफ आना शुरू हो गई है क्योंकि 3 रोज़ से जो मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद थी वो बहाल होना शुरू हुई है। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगले कुछ घंटों में इस्लामाबाद में इसके रास्ते भी साफ़ कर दिए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ से ये खबर खासी गर्म थी कि चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा मंजर से गायब हैं। उनकी जमात का ये कहना था कि वो उनको तहवील में ले लिया गया है या उन्हें हफ्ज़े बेजा में रखा गया है। हुकूमत की तरफ से मुसलसल इसकी तरदीद की जाती रही, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखला ने ये वाज़े किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ना तो पुलिस की तहवील में है और ना ही किसी और इदारे के पास हैं। ना वो हमारी हिरासत में हैं, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। वो इस टाइम हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे रात भी, जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे वो वहाँ पे नहीं थे, और अभी भी हमने काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है कि वो जैसे ही पुलिस ने 3-4 जगहों पे जहाँ पे भी हमें मिले वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। और वो आपको मैं तस्वीरें शेयर कर सकता हूँ कि जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाज़े से भाग गए थे। गुज़श्ता रोज़ और उससे पहले भी और आज सुबह तक ये जगह ऐसी थी जो तनाव का मरकज़ थी, लेकिन अब सूरत हाल बज़ाहिर हुकूमत के जो इदारे हैं उनके मुकम्मल कंट्रोल में है। इस वक्त हर जगह पुलिस एहलकारों के अलावा जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो तैनात हैं। ना सिर्फ यहाँ पर हालात मामूल के मुताबिक नज़र आ रहे हैं बल्कि शहर के जो दीगर हिस्से हैं वहाँ भी कतरे जो आवाम की मूवमेंट है वो भी नज़र आना शुरू हो गई है। हुकूमत की तरफ से वफाकी दारुलहुकूमत में पहले ही फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये डी चौक के मनाजिर हैं जहाँ फ़ौज तैनात है। इससे आगे रेड जोन का इलाका है जहाँ पर फ़ौज तैनात है और उसकी ज़िम्मेदारी है मुल्क की हसास और अहम इमारतों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। SCO इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होना है, इसलिए हुकूमत ने उसके लिए तमाम जो ज़रूरी इंतज़ाम हैं वो किए हैं और उनमें से एक फ़ौज की तैनाती भी है। मोहम्मद इश्तियाक, इंडिपेंडेंट उर्दू, इस्लामाबाद।